जय जय श्री राम। आइए चलते हैं वृंदावन। Thank you.
आज मुझे समझ में आया, आज
सोने चांदी पैसे के भूखे नहीं है। मान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, मेरे जीवन का अभिमान खो गया। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। कहते भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो जाते हैं कब? देखिए प्रसाद में जो भोग लगाइए ना, जो भी भोग लगाइए, ऐसा नहीं कि आपने भोग लगाया आप ही पूरा खा गए, ना ना ना। जो वस्तु भगवान में चढ़ गई हो किसकी है? ठाकुर जी की है, तो बांट कर खाइए, स्वयं लीजिए और दीजिए। पूरा प्रसाद अकेले खा जाएंगे तो भोजन हो गया, थाली लगाए और खा लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो फिर उसको भोजन में मिलाइए, पूरा घर खाइए और गौ माता के लिए रोज निकालिए। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई। भगवान हमारे पास नहीं है, पर भगवान के सामने हमारा माया रूपी पड़ता है। अब आपके घर में बड़ी सी खिड़की लगी हो, ग्लास लगा हो, सब कुछ दिखाई दे, आप एक पर्दा लगा दे तो कुछ दिखाई देगा नहीं। ऐसे ही हमारे और भगवान के बीच में माया का पर्दा है, भगवान हमें दिखाई देते नहीं। और अगर भगवान हमें दिखाई दे तो हम भगवान के लिए महंगी वाली मिठाई, अच्छे वाले कपड़े, महंगा वाला घी बत्ती में जला कर नहीं, पूजा वाला घी देना। दुकान वाले भी बड़े चालाक हैं, पूजा का घी अलग से रखते हैं, पूजा वाला घी बेचते हैं मरिया में। मैं एक बार गया तो अरे पूजा वाला 100 रुपए किलो है, वो पूजा का घी नहीं है। ध्यान दीजिए, वही वस्तु भगवान को दीजिए जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं। और यदि नहीं देना मत दीजिए, पर नकली वस्तुओं को आप दान करेंगे ना भगवान को देंगे, तो भगवान कौन है? सर्वांतरयामी ईश्वर भगवान स्वयं, भगवान अंतरयामी है। दुनिया में कितनी भी चलाकी कर लीजिए, ठीक है करना चाहिए, व्यापारी झूठ नहीं बोले तो खाएगा क्या, किंतु भगवान के सामने चलाकी रख लीजिए। भगवान को जो भी दीजिए सिख दीजिए, सात्विक दीजिए, जो वस्तु जो घी आप नहीं खा सकते, भगवान उसका दीपक कैसे स्वीकार करेंगे? सोचिए ना, मत जलाइए दीपक, और जलाइए तो प्योर देसी घी का जो बाजार में मिलता है अच्छा वाला, वही जलाइए, या तेल का जलाइए, या तो मत जलाइए। क्या कह दीजिए? हे ठाकुर जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब पता नहीं पेट्रोल कितना, 170 रुपए, जिनके पास कार है, जिनके पास बाइक है, सबके पास, हर कोई, मुझे लगता है हर व्यक्ति के घर में पेट्रोल का खर्चा महीने का 2000-3000 रुपए है। अगर बाइक है कोई, कार है, तो महीने का 10,000 का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा कभी जोड़े नहीं, कितना कार में तेल जला दी पेट्रोल, और भगवान में घी जला रहा तो लोग गिनती करते। जब भगवान का काम आता है तब लोग हिसाब करते हैं, जब अपनी बात आती है कोई हिसाब नहीं होता, और भगवान फिर हमारा हिसाब भी मान रखते हैं। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए क्या करिए? एकदम मन को अच्छा बनाइए, भाव को अच्छा बनाइए, तो परमात्मा हमारे सामने आज भी कलयुग में भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम में भगवान ही हमारा साथ देने वाले हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और भागवत जी की एक आती कथा ऋषभ देव जी महाराज की, ऋषभ देव जी महाराज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। जैन धर्म जो है ना, जैन पंथ जो हमारे हिंदू धर्म से ही जन्म लिया है। ऋषभ देव जी महाराज के 100 बेटे हैं, एक दिन बुलाए, बोले बेटा खाते हो पीते हो सोते हो, कुछ काम करो। बोले पिताजी पैसे भी तो कमाते, बोले बेटा लेकर नहीं जाओगे, पैसे कमाओ पर दान भी करो। तो 89 बेटे साधु बन गए तुरंत, क्या बन गए? साधु। और ऋषभ देव जी महाराज घर को छोड़कर वन में चले गए। एक दिन भरत जी को लगा मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे छोटे भाई बन गए साधु और मैं यहाँ भोजन करने में लगा, मैं भी साधु बनूं। तो घर छोड़े, बेटे को गति दी और वन में जाकर कहा गए, नेपाल में जहाँ गंडकी नदी है, जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, जहाँ दामोदर कुंड है, वहां पहुंच गए। तो क्या करिए? श्री हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण, श्री हरि शरण। भागवत में लिखा है अंतिम नारायण स्मृति, अंतिम समय पर दुनिया को भूल जाओ, केवल उसकी याद रहे भगवान की, तो मुक्ति हो जाएगी। जब कर रहे थे कुंड में, कुंड के भीतर घुस के जब कर रहे थे, क्या देखे?
एक हिरणी बेचारी भागी, शेर ने दहाड़ लगाई तो बीच पानी में जन्म दे दी बच्चे को, हिरणी मर गई, बच्चे को जाकर बचाए, सूखे पत्ते इकट्ठे किए, अग्नि लगाई, ये धर्म है। किसी भी प्राणी की रक्षा करना, बचाना धर्म है। आप मंदिर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाए तो पहले आप उसको व्यवस्था कराओ। किसी की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये बहुत बड़ा धर्म है। फिर धर्म है, किंतु धर्म करने के बाद अपने काम में लग जाओ। अभी क्या किए भरत जी महाराज, क्या करते हैं, हिरण के चक्कर में माला वाला सब छोड़ दिए, घर से आए थे वन में की भजन करेंगे, पर यहाँ हिरण के चक्कर में पड़ गए। हिरण को बढ़िया घास पिलाते, भजन भूल गए, अंतिम समय आया तो क्या लिखा भागवत में, अंते यामति सागति, अंत में जो सोचेंगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। सोचे हे भगवान मेरे बाद मेरे इस बच्चे का क्या होगा, तो भगवान ने बोला जाओ बहुत प्रेम करते हिरण से, हिरण ही बना देते हैं तुझे, तो हिरण बन गए। याद आया मैंने बहुत बड़ी गलती की, रोते रहते हैं, इस बार गलती हुई तो भगवान ने कृपा की और क्या बनाए, मनुष्याणा मनुष्य, भगवान ने मनुष्य बना दिया। आपको मालूम है ब्रह्मा जी ने जब मानवों को बनाया इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना बंद कर दिया, हम लोग आखिरी में बने। सब कुछ बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने जब मनुष्यों को बनाया तो ब्रह्मा जी सोचे मैंने तो अपने जैसे बना दिया, दिमाग दे दिया, बुद्धि दे दी, ब्रह्मा जी ने कहा अब सृष्टि बन गई। इसलिए मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य यदि मानव तत्व पाकर व्यक्ति यदि भगवान का भजन न करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। कुत्ता यदि किसी को काट ले, कोई व्यक्ति मर जाए तो कुत्ते को पाप नहीं लगेगा, कुत्ता नरक में जाने वाला नहीं है, पर कुत्ते को हम मार दें गाड़ी के नीचे आ जाए हमारे कार के नीचे मर जाए तो नरक जाएंगे, क्योंकि कुत्ते के पास दिमाग नहीं होगा, मनुष्य हम, हमारे पास बुद्धि भगवान ने दी है। तो इस बार मनुष्य बन गए, भगवान का भजन करते, ब्राह्मण कुल में आए हैं, पिताजी ने कहा बेटा मंत्र याद कर लो, नहीं किए तो नाम दिया जड़ झड़, जड़ बने क्या होता है, एकदम मूर्ख, जड़ बने जानता नहीं, पर वो सब कुछ जानते हैं, भगवान का भजन करते, पिताजी मर गए तो भाइयों ने घर से निकाल दिया, जाओ खाते हो सोते रहते हो, चले गए कुछ बोले नहीं, भाइयों से हिस्सा नहीं मांगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि कुछ लेकर जाने वाले नहीं है, खाली हाथ खाए थे और खाली हाथ जाएंगे तो क्यों लड़े, जाएंगे जाना तो है, तो वो चले गए, भगवान का भजन करते रहे। भीलों ने पकड़ लिया, काली माता को बलि देने के प्रयास किए, काली माँ ने बचा दिया, और श्री भरत जी महाराज जब भरत जी आगे गए और भगवान का भजन करते करते जा रहे हैं, प्रभु का नाम लेते लेते जा रहे हैं, प्रभु का नाम जिसके पास है वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, और जिसके पास धन है पर भगवान का नाम नहीं है वो सबसे गरीब व्यक्ति है, भगवान का नाम होना बहुत आवश्यक है। जैसे ही आगे पहुंचे, रघुवर नाम का राजा पालकी में जा रहा था, एक कहार बीमार पड़ गया पालकी चलाने वाला, तो बोले पकड़ लाओ, तो कहते हैं जड़ भरत जी ने पालकी उठाई तो दो तीन बार राजा को धक्का लगा, क्योंकि उनका नियम था आगे देखकर चलना, जैसे ही कोई चींटी मिली आई तुरंत कूद पड़े, तो राजा ने कहा बहुत दंड देंगे, बहुत मारेंगे, तुम्हें मृत्यु दंड देंगे, चलना नहीं आता। तो जड़ भरत जी ने बड़े ज्ञान की बातें कर दी, बोल्यम कौसम आये वासयस्य, अरे राजन तुम हमारे ऊपर बैठे हो, कष्ट हमें हो रहा है, दंड तुम हमें दोगे, मारोगे तुम हमें मारोगे। और राजा को बहुत मार्मिक उपदेश दिए कि राजा ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई धनवान ना कोई गरीब, सबके अंदर एक ही आत्मा है, हम एक परमात्मा के ही सबको क्या संसार, इसलिए अहंकार करना छोड़ दो, अभिमान करना छोड़ दो, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो राजा चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगा, तो भरत जी कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, अरे राजा तुम अभी राजा हो, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, हिरण के चक्कर में पड़कर मैं हिरण बन गया, और इस बार मनुष्य बनाओ, तो इस बार ऐसी गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं ब्राह्मण बनकर आया हूँ, भगवान का भजन करूंगा और मुक्ति पा लूंगा, क्योंकि मुक्ति केवल मनुष्य ही पा सकता है, इंसान ही पा सकता है। और राजा
और भरत जी महाराज देश देखकर चले गए, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत था। भारत तीन भरत भी हमारे यहाँ, एक तो राम जी के भाई छोटे भरत, एक जड़ भरत, एक शकुंतला नंदन भरत, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे जो भरत जी, उनके नाम से पड़ गया देश का नाम हमारे भारत। भारत का मतलब होता जहाँ लोग भाव से प्रेम से रहे वो है भारत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते राजन प्रभु का नाम लीजिए कल्याण हो जाएगा। अरे एक सुंदर कथा सुना दी, बस अंतिम कथा हजामिल की छोटी सी, कल पूरी करेंगे, आज जरा सा बता दें। बोले महाराज ये बताइए, यदि कोई भगवान का नाम ना ले पाए, प्रभु का चिंतन ना कर पाए, पाप कर्म हो जाए तो क्या सजा है? बोले नरक में जाना पड़ेगा। और भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनका वर्णन कल करेंगे। 21 भी लिखा है भागवत जी में, और बाद में कुछ संतों का कुछ ऐसा मत है कि 28 नरक भागवत जी में लिखे गए हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, दक्षिण दिशा में 99,00,000 योजन की ऊंचाई पर अथवा तो गहराई पर 28 प्रकार के नरक हैं, जो पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दंभ करते हैं, अहंकार करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनको नरक में ले जाना पड़ता है, नरक में जाते हैं। बोले परीक्षित, बोले गुरुवर मान लो मैंने कोई पाप कर लिया और मुझे नरक में नहीं जाना, तो उसका उपाय क्या है? तो बोले देखो यदि आपको नरक में नहीं जाना तो कुछ काम करो, छोटे मोटे जो पाप होते हैं, झूठ बोलने वाला, झाड़ू लगाते समय चींटी मर जाती है, श्वास लेते समय कुछ छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं, तब तो आप क्या करो, क्या करिए, 5 यज्ञ रोज करिए, करना चाहिए। मैंने कई बार बताया है, गाय को रोटी निकालिए, चींटियों को आटा डालिए, मछली को आटा खिलाइए, अग्नि में क्या करिए, स्वाहा करिए, अग्नि में आहुति दीजिए, और कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए उसको भोजन कराइए। इनसे क्या होता है, हमारे 5 यज्ञ जब हो जाते हैं तो हमारे छोटे मोटे पाप अपने आप मिट जाते हैं। राजा ने पूछा गुरुवर मान लो अगर मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई, कोई पाप हो गया और नरक में मैं जाना चाहता नहीं तो क्या करूं? बोले राजन नरकों का वर्णन कल करेंगे, पर सुन लो यदि नरक में जाना चाहते नहीं है तो क्या क्या करिए? के चित केवल हत्या हरि नित्य विडंबनम। यदि नरक में जाना चाहते नहीं तो क्या करिए? केचित केवल हत्या, केवल भगवान की भक्ति कर लो, भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, लोभ करना, निंदा करना, अधर्म करना, पाप करना, अपने आप सब बंद हो जाएगा। भगवान के नाम के इतने अच्छे गुण हैं, भगवान के नाम के बहुत प्रभाव है। जो भगवान का नित्य जाप करेंगे उनके जीवन में निश्चित है परिवर्तन आएगा। और जो ये बोलते हैं हमने खूब जप किया, खूब नाम लिया, हम तो वही के वही समझिए, उसने अभी जप किया नहीं, उसने अभी जप नहीं किया। जप का मतलब जप करने से पाप कटेंगे, जाप होगा ना तो पाप अपने आप कटेंगे, जब जप बढ़ेगा तो पाप कटेंगे, इसके बाद पाप करेंगे भी नहीं। जय जय श्री राधे। जाप करना है, कितने गुरु मंत्र का जाप करिए, या तो भगवान के नाम का जप करिए, या तो राधे रानी के नाम का जप करिए, या तो जो भी भगवान का नाम आपको पसंद हो, प्रिय हो, उसका जप करिए, उससे क्या होगा, कल्याण होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन नरकों से बचने का एक उपाय है प्रभु का नाम। और एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई अजामिल की, पर नरकों का जो वर्णन है बड़ी अच्छी कथा का सुनाएंगे प्रारंभ में, पर आज अजामिल की थोड़ी कथा, इसके बाद कथा का विस्तार सुनिए। बोले अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। कौन है? अजामिल नाम के ब्राह्मण। पूजा करता, पाठ करता, धर्म करता, यज्ञ करता, खूब अच्छा जीवन चल रहा है। पर क्या हुआ,
माने कुछ ब्राह्मण है, नाम है अजामिल, सब बढ़िया चल रहा है, पर एक दिन क्या किए, लेकिन नर्तिका को एक नाचने वाली को रात्रि में जाते समय देख लिए, किसी से बात करते तो मन में उसकी मूर्ति बस गई, उसका ख्याल आया, गंदा विचार आया, तो बुद्धि बदल गई। एक बार ही व्यक्ति के मन में गलत विचार आ जाए तो पूरा जीवन बेकार हो सकता है। रात में सो नहीं पाया, सो गया, बोला देवी हमारे घर चलो, हमसे शादी कर लो, जो कहोगी जैसा कहोगी सब करेंगे। बोले महाराज पूजा करो, पाठ करो, अपना परिवार देखो, आपका घर नरक हो जाएगा, मुझे मत ले जाओ। लेकिन अजामिल नहीं माना, बोले हमारे साथ चलिए। तो कहते उस गणिका को लेकर आ गया घर और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब पूजा पाठ धर्म कर्म सब बंद, और चोरी करना, डाका डालना, शराब पीना, मांस खाना, वो ब्राह्मण जो पूजा करके पाठ करके अपना जीवन चला रहा था, वो आज खुद भ्रष्ट हो गया। कैसे? आंखों को भी एक बार बुरा ख्याल आ गया, आंखों से बुरी चीज देख लोगे तो प्रवेश कर जाएगी, कानों में एक बार गंदा विचार आ जाएगा, गंदे शब्द आ जाएंगे तो मन खराब हो जाएगा। पर आंखों और कानों से जो सुना देखा जाता है वही हमारे हृदय में जाता है, इसीलिए कहते हैं आंखों से देखना है तो हरि दर्शन करिए, और कानों में सुना, कानों से सुनना तो क्या सुनिए, हरि कथा और हरि दर्शन। जय जय चोरी करता, डाका डालता, नाम खराब हो गया। एक दिन साधु संत महात्मा कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे, बहुत से संत, शाम हो गई, संतों का नियम होता जहां शाम हो जाए वहीं पर विश्राम हो जाता है, और भजन करते करते जा रहे हैं, श्री राम का भजन, आइए हम लोग भगवान का नाम लेते रहते, हम भी जरा प्रभु का नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय Thank you.
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस संत पहुंच गए उस गांव में, तो यहाँ की कथा जो ये वाली कथा पूरी कल सुनाएंगे। सब जा रही है माताएं, शहर से दूर भी है थोड़ा बहुत, फिर भी मेरा निवेदन जाता है, आवाज जाती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने। नवरात्रि में श्रीमद् भागवत का फल ज्यादा हो जाता है। शामी को आइए, 5 बजे आइए, बताइए, 7-8 तक सुनिए। गर्मी में वैसे भी काम क्या है, भगवान के नाम से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, भगवान की कथा से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जिसने भगवान का काम कर लिया उसके सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तो आइए आज की कथा का यही पर विश्राम, और कल क्या होगा, भगवान कृष्ण का जन्म, अजामिल की पूरी कथा, कृष्ण जन्म, राम जन्म पहले होगा, वामन जन्म, नरसिंह भगवान की कथा, नरसिंह वामन राम, और आखिरी में नंदोत्सव कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। यहाँ आप सब आइए पीले पीले कपड़े पहनकर, क्योंकि भगवान का क्या प्रिय है, पीतांबर धरण में कथा धरोष्ठा, भगवान की कथा में आइए, उत्साह बनाइए और सुनिए। सुनेंगे तो फायदा आपका है, करते तो हमारा फायदा है, हमको लगता है करते हैं तो भगवान ही आगे करवा रहे हैं। तो प्रभु की कथा कहना भी धर्म है, प्रभु की कथा सुनना भी धर्म है। तो आपका कल्याण हो जाएगा, और कल्याण हो जाएगा तो क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति हो जाएगी तो बार बार संसार में आना नहीं पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी श्रोता आरती के लिए खड़े हो जाए। यजमान परिवार आगे आकर के आरती करें। Oh, no, 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 no,
Thank you.
कल क्या होगा? कल भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे और कल सबसे विशेष बात यह है कि आप जो भी हैं भगवान के लिए टोपी है, वस्त्र आते हैं कड़िया के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर है और माखा मिश्री है, देखो ये तो सुनी नहीं रही होगी राशन। अरे राधे क्या बोला था आपने बताओ? क्या क्या करेंगे कल भगवान के लिए? माखन मिश्री का भोग लगाएंगे सभी, ये ना समझेंगे केवल ये कर रहे हैं, आप सभी का फर्ज है। और सुंदर सुंदर गुब्बारे वगैरह लगाएंगे, कोई अपने घर से टोपी लाए इत्यादि इत्यादि सामान लाए कन्हैया के लिए और पीले पीले वस्त्र पहन करके आए। जिनके पास ना हो वस्त्र पीला वो माता जी से ले लें। नहीं ये ना समझे कि फील लेना आप तो चाहेंगे नहीं, जैसा भी हो श्रद्धा से आए तो भगवान को बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाए। आइए राधे राधे, जय श्री राधे। और सबके संकट दूर करेगी और गोबर साले भाई बजाओ 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 I'm